सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले दिन सफा की पहाड़ी पे हरिपुर वालों कौन सा मिशन शुरू किया? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ अरबियो अजमियो ओ इंसानों कह लो, मान जाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इला कोई हाजत रवा कोई बेड़े पार लगाने वाला कोई नजर नियाज के लायक नहीं, कोई मन्नत मनोती के लायक नहीं, कोई दुआ पुकार के लायक नहीं, इल्लल्लाह। कौन है? खैर अल्लाह का नाम जरा दिल की गहराई से कह लो, हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? बरकतें देने वाला कौन है? इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? मौत और हयात का मालिक कौन है? मुश्किलात से निकालने वाला कौन है? फरियाद रस कौन है? गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार कौन है? सबसे बड़ा देने वाला दाता कौन है? यही तो अल्लाह है, ये अल्लाह है। ये ऐलान पहले दिन हमारे यहां क्या होता है, एक बंदा एक मिशन शुरू करता है, शुरू में वो डट के लगा होता है, आखिर में नरम होते होते चूंकि हालात उसको ऐसे दबोच देते हैं ना, तो आखिर में जाके मसला बिल्कुल चट्टान से हलवे की पुड़िया बन जाती है, इतनी नरमी आ जाती है। ऐसा है, कई तहरीकें चलती हैं, नरम होते होते बिल्कुल आखिर में तो वो जो बात शुरू की थी जिस मकसद के लिए तहरीक उठाई थी वो मकसद ही भूल जाते हैं। क्यों? हालात ऐसे होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर के गढ़ में, शिर की बस्ती में, शिर के मरकज में, तौहीद मिंबर पे आसान है, मस्जिद नमरा में आसान है, लेकिन जहां शिर का गढ़ो सारे कबर चाटो सारे बुत परस्तो, उधर खड़े हो के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह के हाजत रवा अकेला अल्लाह, मुश्किल कुशा अकेला अल्लाह, ये बहुत ही मुश्किल है। मेरे पैगंबर ने ये ऐलान किया, अपने बेगाने हो गए, रिश्ते नाते टूट गए, मक्का छोड़ दिया, हरम छोड़ दिया, कबीला खानदान छोड़ दिया, तने तनहा हो गए, चले गए मदीना पहुंच गए, 23 साल लगाए। कितने टोटल इस ऐलान के बाद कितने साल गुजारे आज बताने लगा हूं जरा, 23 साल लगाए जिस मिशन का आगाज किया, आज वो दिन भी आ गया। नबी अलैहिस्सलाम बीमार हैं, वफात का दिन है, आखिरी लम्हात हैं, बुखारी उठाइए क्या फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अला इन्नल मौत सकरात। मौत की सख्तियों के दौरान ये जुमले कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत सकरात। 3 दफा का मैंने कहा वाह कुर्बान जाऊं मेरे पाक पैगंबर, आपने बता दिया लोगों हर मामले में नरमी हो सकती है, लेकिन तौहीद का मामला वो है जो ऐलान पहले दिन किया था वो आज भी उसी पे खड़ा हूं। आज रूह निकल रही है, दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन आज फिर भी यही कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। और इशारा कर दिया कि ये नहीं कि बंदा शुरू में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे आगे जो मर्जी करे जन्नत में चला जाए, नहीं, फरमाया शुरू भी ला इलाहा इल्लल्लाह और इख्तिताम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे हो, मौत भी तौहीद पर हो तब निजात है।